हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं ब्लॉक डायग्राम ठीक है। तो पहले ब्लॉक डायग्राम में हम सारे पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ओके। उसके बाद फिर सारी चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रूल लिखेंगे, जितने भी रूल्स हैं उनको हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन के रूल हैं, जैसे कि सीरीज में ब्लॉक को हम जब यूज़ करें या फिर पैरेलल में यूज़ करें या फिर शिफ्टिंग हम करें, तो उसके हिसाब से बहुत सारे रूल हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम रूल लिखेंगे वो हमारा है कंबाइनिंग ब्लॉक इन सीरीज। फर्स्ट लिखेंगे कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज। ब्लॉक्स इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में जब ब्लॉक को करेंगे तो उसका किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, ये मान लीजिए हमारा है ब्लॉक G1, उसके बाद सीरीज में सेकेंड ब्लॉक हमने किया हुआ है G2, ठीक है। और हमने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है X, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे इसका फाइनल जो मिलेगा हमारे पास X G1 G2, ओके। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट हमने दिया, ठीक है, उसको एक ही ब्लॉक में हम लिख दें G1 G2, सीरीज में है इसलिए इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर फाइनल हम लिखेंगे X G1 G2, ठीक है, सीरीज में था इसलिए हमने एक ही ब्लॉक में इसको लिख दिया है, ओके। ये हो गया हमारा सेकेंड है हमारा पैरेलल के लिए कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल। Combining blocks in parallel. ठीक है, पैरेलल में किस तरीके से इसको हम कंबाइन करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इनपुट है, एक सामने दिया हुआ है कोई इनपुट, अब दो पैरेलल हैं यहाँ पे, एक इस तरीके से यहाँ पे हम बना लेंगे एक ब्लॉक G1, सेकेंड ब्लॉक पैरेलल में बनाना है तो यहाँ पैरेलल में हमने ये बना लिया है G2, ठीक है। अब इसका क्या है, कंबाइन कर देना है इसको, फाइनल अब क्या मिलेगा हमें X, यहाँ सीरीज में था तो क्या मिलता था G1 G2, अब यहाँ पे क्या है पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या मिलेगा प्लस माइनस G1 प्लस माइनस G2। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जो भी यहाँ साइन रहेगा वो यूज होगा, यहाँ पे G1 के लिए जो भी प्लस माइनस साइन जो भी होगा वो एक यूज होगा, और G2 के लिए जो भी यहाँ साइन होगा उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे X, फिर एक ही ब्रैकेट में इसको इस तरीके से लिख दें प्लस माइनस G1 प्लस माइनस G2, उसके बाद फाइनली क्या है इसमें X प्लस माइनस G1 प्लस माइनस
G2। तो ये हमारा हो गया क्या, कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज, जिसमें x G1 G2 आता है और पैरेलल है। पैरेलल में क्या आएगा, x प्लस माइनस G1 प्लस माइनस G2, जो भी इनका G1 का साइन रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो भी G2 का साइन रहेगा वो इसके साथ में यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल के लिए। अब हम यूज़ करेंगे शिफ्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो शिफ्टिंग एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड, थर्ड है हमारा शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट आफ्टर द ब्लॉक, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट समिंग एलिमेंट आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है, समिंग एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले समिंग एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसकी शिफ्टिंग कैसे करना है उसके हिसाब वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इनपुट है एक्स, ठीक है, एक्स वन मान लेते हैं इनपुट है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई समिंग एलिमेंट है जो कि इनपुट जितने भी आते हैं उसको सम करता है। ओके, तो एक इनपुट हमारा यहाँ से एक्स वन आ रहा था, एक इनपुट हमारा यहाँ से आ रहा था X2, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ जो हमारा दिया हुआ है G1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये फाइनल क्या मिलेगा, X1 प्लस X2, ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, X1 G1 प्लस माइनस X2 G2, ठीक है, X2 सॉरी G2 नहीं, G2 कहाँ, G2 नहीं है ना, G1, X1 G1, ये क्या हुआ, ये इनपुट है, ये इनपुट इस फॉरवर्ड पाथ के साथ जाएगा, X1 G1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा यहाँ पे समिंग में वो लिखेंगे, उसके बाद X2 G1, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि कह रहा है कि शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट आफ्टर द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसके इस तरफ में समिंग एलिमेंट को हमें ले जाना है, समिंग एलिमेंट को हमें इस तरफ ले जाना है, तो इससे क्या फर्क आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे X1 इनपुट था, ओके, तो अब हमने समिंग एलिमेंट को इस तरफ ले आया है, तो ये G1 हमारा कहाँ, इधर आ जाएगा फॉरवर्ड पाथ G1, ठीक है। समिंग एलिमेंट कहाँ गया, समिंग एलिमेंट अब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे X2 था समिंग एलिमेंट पे, X2 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है कि जब हम समिंग एलिमेंट को ब्लॉक के आगे ले जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, जो हमारा यहाँ समिंग एलिमेंट पे इनपुट दिया हुआ है उसमें ये जो ब्लॉक है वही वाले एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ G1 था तो G1 यहाँ पे X2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम समिंग एलिमेंट को आफ्टर ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ में है वो हमारे X2 के साथ आ जाता है। तो X2 के साथ G1 था फॉरवर्ड पाथ में, तो X2 के साथ G1 आ गया, ठीक है। अब देखिए फाइनल अभी आउटपुट क्या मिलेगा, X1 G1 G1 प्लस माइनस X2 G1 X2 G1। अभी भी क्या है, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आए, सेम आउटपुट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो समिंग एलिमेंट को आफ्टर द ब्लॉक किया है वो हमने सही किया है, क्लियर है। अब हम फोर्थ करेंगे, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है उसके पहले समिंग एलिमेंट लाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, तो स्क्रीन पहले चेंज कर लेते हैं उसके बाद फिर करते हैं।
उसमें जो चेंज आने वाले हैं वन बाई जो भी हमारी वैल्यूज रहेगी उसको हम कर देंगे फॉरवर्ड पार्ट की। ठीक है, फोर्थ नंबर डालते हैं शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट। शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक। बिफोर द ब्लॉक, अब समिंग एलिमेंट को ब्लॉक से पहले रिफर करना है। अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इनपुट हमारा एक्स वन है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ जो हमारे पास है वो है जी वन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास समिंग एलिमेंट ये है और यहाँ पे इनपुट हमारा है एक्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक्स वन जी वन, एक्स वन जी वन प्लस माइनस जो भी यहाँ समिंग एलिमेंट पे होगा वो साइन लिखेंगे, उसके बाद एक्स टू, यहाँ पे जी वन नहीं आएगा एक्स टू के साथ क्योंकि एक्स टू इस यहाँ पे सिर्फ एक्स टू आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस समिंग एलिमेंट को क्या करना है, बिफोर द ब्लॉक ले जाना है, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हम बिफोर द ब्लॉक कर रहे हैं, तो बिफोर द ब्लॉक करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वन इनपुट है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे समिंग एलिमेंट आएगा क्योंकि समिंग एलिमेंट को हमें शिफ्ट करना है इस तरफ ब्लॉक से पहले, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स टू हमारा जो भी इनपुट है वो आएगा, और यहाँ पे ब्लॉक में क्या आ जाएगा, जब भी हम शिफ्टिंग एलिमेंट को ब्लॉक से बिफोर द ब्लॉक करेंगे तो जो भी वैल्यूज रहेगी उसका वन बाई कर देंगे, वन बाई जीवन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीवन तो ब्लॉक है ही क्योंकि हमने इसी के इस तरफ में लेके आए हैं समिंग एलिमेंट को, उसके बाद यहाँ पे फाइनल आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आउटपुट लिखेंगे तो एक्स वन जीवन लिखेंगे, एक्स वन जीवन प्लस माइनस एक्स टू बाई जीवन है और जीवन मल्टीप्लाई में है तो 1 बाई जी वन इंटू जी वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, हाँ बचेगा x2। तो आउटपुट क्या है, अभी भी सेम आया, इसका मतलब हमने जो शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक किया है वो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे शिफ्टिंग समिंग एलिमेंट है इसी तरीके से होता है टेक ऑफ पॉइंट, तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक याद रखना है शिफ्टिंग किसकी, समिंग एलिमेंट की, चाहे आफ्टर ब्लॉक याद रख लें चाहे बिफोर ब्लॉक, उसी से हमारा टेक ऑफ पॉइंट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेक ऑफ पॉइंट और समिंग एलिमेंट जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक याद रखना है सिर्फ, समिंग एलिमेंट में भी सिर्फ एक ही याद रखना है, चाहे आफ्टर ब्लॉक याद रख लें चाहे बिफोर ब्लॉक, ठीक है। तो उससे अगर आफ्टर ब्लॉक याद रखेंगे तो बिफोर ब्लॉक आपको याद रहेगा और इन दोनों का अपोजिट हमारा टेक ऑफ पॉइंट हो जाता है। अब देखेंगे शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक ठीक है। तो हमारा टेक ऑफ पॉइंट किस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ x1 इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पाथ है g1, x1 g1। टेक ऑफ पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है सिर्फ, यहाँ से हमने दूसरा इनपुट मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया है x, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यही x1 यहाँ पे भी आएगा और इसी को हमने इस पॉइंट से अटैच कर दिया है, मतलब
यही इनपुट हमारा यहाँ पे भी शो कर रहा है और सेम इनपुट यहाँ पे भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट जो भी मिलेगा हमें एक्स वन इंटू जी वन मिलेगा, ठीक है। अब इसी टिक ऑफ, ये जो हमारा पॉइंट है इसको कहते हैं टिक ऑफ पॉइंट। अब इस टिक ऑफ पॉइंट को हमें आफ्टर द ब्लॉक करना है, इस ब्लॉक के आगे करना है, मतलब ये वाली वैल्यूज को उठा के इस तरफ कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स वन लिखें, उसके बाद फॉरवर्ड पाथ आएगा और यहाँ से ये जो टिक ऑफ पॉइंट था उसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो टिक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब टिक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे वन बाई जी वन का यहाँ ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स वन यहाँ लिख लेंगे, तो अब इससे जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स वन जी वन, ठीक है, एक्स वन जी वन। क्योंकि देखिए एक्स वन जी वन क्या है, एक्स वन बाई जी वन और जी वन यहाँ से कैंसिल, एक्स वन जी वन हमारा यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए इसका जो था शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक, बिफोर द ब्लॉक में वन बाई करते थे, इसमें आफ्टर द ब्लॉक वन बाई करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ये ठीक है, ये हो गया। अब सिक्स वाला क्या है हमारा, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, ये आफ्टर था अब बिफोर आएगा, शिफ्टिंग द, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, बिफोर द ब्लॉक, ओके। अब इसी को हम बिफोर द ब्लॉक करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे एक्स वन है इनपुट और यहाँ पर जी वन फॉरवर्ड पाथ है हमारा, और हमारा अभी टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे एक्स जी वन, ओके। टेक ऑफ पॉइंट यहाँ क्या होगा, एक्स जी वन, एक्स वन, ठीक है, क्योंकि एक इनपुट यहाँ क्या है, एक्स वन है, एक्स वन जी वन यहाँ इस तरीके से हमारा यहाँ पे भी आ गया और यही हमारा एक्स वन जी वन यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर जाएंगे, तो इस तरफ जब हम लेकर जाएंगे तो एक्स वन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पाथ है जी वन। अब टेक ऑफ पॉइंट को हम कहाँ लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो अब हम टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ लिखेंगे जी वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन जी वन, ठीक है, एक्स वन यहाँ से जी वन यहाँ था, तो इस तरफ एक्स वन आएगा, यहाँ पे एक्स वन इनपुट यहाँ से आए, एक्स वन इंटू जी वन, एक्स वन जी वन यहाँ, एक्स वन जी वन इस तरफ भी हमारा आउटपुट में आ गया, ठीक है। अब ये याद रखेंगे वहां पे क्या था, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट आफ्टर द ब्लॉक, आफ्टर द ब्लॉक में क्या किए थे, यहाँ पे जी वन मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, बिफोर ब्लॉक में वन बाई जी वन, यहाँ जस्ट अपोजिट क्या है, आफ्टर वाले में वन बाई जी वन और बिफोर वाले में जी वन, ठीक है, बिफोर वाले में जी वन, क्लियर है। ये हो गया हमारे सिक्स पॉइंट। अब हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, सेवन नंबर पॉइंट है ट्रांसफर फंक्शन, स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। सेवन नंबर पॉइंट है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इनपुट है हमारा, मान लीजिए कि आर है इनपुट, ठीक है, यहाँ हमारा है समिंग एलिमेंट, ये हमारा है फॉरवर्ड पाथ जी,
है, यहाँ है हमारा आउटपुट सी, यहाँ है हमारा फीडबैक एच। ये हो गया, ठीक है। प्लस माइनस इस तरह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसा रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन यूज करेंगे। ओके, अब क्लोज लूप ये है, तो अब इसको इस तरीके से एक ब्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा इनपुट हो गया, एक ब्लॉक हम ऐसे बना लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी अपॉन मीन्स फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस जो भी होगा लिख लेंगे, प्लस माइनस उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक, फॉरवर्ड पाथ फीडबैक, ठीक है। ये हमारा एक ब्लॉक हो गया और ये फाइनल हमारा मिल गया सी आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहें, ट्रांसफॉर्म करना चाहें, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे आर इनपुट है, ये हमारा है समिंग एलिमेंट, ये हमारा है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ये हमारा है आउटपुट सी, ये यहाँ पे हमारा लगा हुआ है फीडबैक एच, ठीक है, और ये हमारा समिंग एलिमेंट यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अब इसको अगर हम कुछ चेंजेस इसमें करना चाहें, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इस एच जो हमारा है, ठीक है, इस एच को हम अगर फीडबैक को यहाँ से हटाना चाहें, इस तरफ समिंग एलिमेंट के लेना चाहें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन बाई एच, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समिंग एलिमेंट लगा दें, ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दें, जी एच, जी एच, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे फीडबैक में वन, ठीक है, कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो यहाँ पे वन होगा। तो इसको क्या किया हमने, जो फीडबैक वाला था उसको हमने समिंग एलिमेंट की इस तरफ ले आए, समिंग एलिमेंट की इस तरफ ले आए, तो वन बाई एच वन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एच यहाँ पे जी के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालें, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें, तो क्या होगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, जी अपॉन वन प्लस माइनस जी एच होगा, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन देखिए, ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वन बाई एच वन पहले लिख लेंगे, वन बाई एच वन, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट के साथ है, तो पहला पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद अब इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस फॉरवर्ड पाथ इंटू फीडबैक, फॉरवर्ड पाथ इंटू फीडबैक, फीडबैक में कितना है वन, तो वन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, जी अपॉन वन प्लस माइनस जी एच। देखिए वैल्यू अभी ट्रांसफर फंक्शन की क्या है, सेम है, तो इसे ये पता चला कि ये अगर हमारे पास फीडबैक में जो भी है उसको हम समिंग एलिमेंट के इस तरफ में लेके आना चाहते हैं, तो जो भी हमारा फीडबैक में है उसको वन बाई करके यहाँ पे लिख देंगे, और जो भी वैल्यूज है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम लिखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में नोड, इनपुट नोड, सोर्स नोड, लूप, फॉरवर्ड पाथ, पाथ, मिक्स्ड लूप, चैन, आउटपुट नोड या सिंक नोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेल्फ लूप क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ देखेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।